बोलते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा करने चलते हो ना तो बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्नार्ता आए हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आए और सारे विघ्न हर ले गए वो। हैप्पी मम्मी व्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था तीज सेलिब्रेशन और किस तरीके से हमने गणपति जी का आगमन किया गणेश चतुर्थी पर। अब इसके बाद आज का ये जो व्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस पूरे फेस्टिवल की, गणेश उत्सव की हर एक दिन की मेमोरी आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। गणेश उत्सव में हमारे सोसाइटी में डांस का भी प्रोग्राम रखा गया और अनिका ने आज की परफॉर्मेंस दी थी, जिसने बहुत ही कम समय में प्रिपेयर किया एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हर। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। डांस में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और अब दिखाती हूँ मैं आपको फैशन शो और फैंसी ड्रेस की झलक। शुरू हो गए हैं त्योहार और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोस एंड व्लॉग्स भी, साथ में शूटिंग चलती रहती है किसी न किसी प्रोडक्ट की, किसी न किसी टॉपिक पे। सो लाइफ इज गोइंग वेरी वेरी बिजी। करते करते विसर्जन का टाइम भी पास आ गया और एक दिन पहले हमारे सोसाइटी में रखा गया महाप्रसाद का दिन, तो जिस दिन खाना पीना होता है और आरती करके हम सभी लोगों ने प्रसाद लिया और फिर निकल गए अपने अपने काम से। हमने डिसाइड किया था कि अनिका को पंडाल दिखाएंगे गणपति जी का इस बार, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट नहीं करी
बच्चे अच्छा फील नहीं कर रहे थे, अन्विका सो जा रही थी और टाइम भी कुछ साथ नहीं दे रहा था, बाहर इतना क्राउड भी था। सो हम बहुत ज़्यादा कुछ तो एक्सप्लोर कर नहीं पाए। एक पंडाल में हमने दर्शन किया और दूसरे पंडाल में तो भाई इतनी भीड़ थी कि भाई हम एंट्री भी नहीं कर पाए, वहीं से घर वापस आ गए। गुड मॉर्निंग। और भगवान गणेश जी के आने के बाद अब आज है गणपति विसर्जन हमारे सोसाइटी में होगा। शाम का टाइम है, 8 बजे का टाइम दिया है और उसके पहले प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने हैं जो कि यहाँ पर गेम्स और कॉम्पिटिशन्स और ये सब हुए थे उसके। मेरी हालत देख के आप समझ गए होंगे कुछ तो लोचा है, बहुत तो लोचा है, क्योंकि यहाँ पर वायरल फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, हर दूसरे तीसरे किसी को सुनाई देता ही रहता है, इंक्लूडिंग अनिका एंड अनविका। मैं भी इसी के चपेट में आ गई हूँ। तो आज फर्स्ट डे है ना, आई एम नॉट फीलिंग गुड। कल से खुशी, परसों से इनफैक्ट खुशी भी उसको भी सर्दी जुकाम और बुखार आज बहुत ज़्यादा था, तो हम कल गए डॉक्टर के पास मेडिसिन वगैरह लेकर के आए। इस वजह से इधर का थोड़ा डिले हो गया, ये ब्लॉग जो आना था थोड़ा पहले आना था पर अब आ रहा है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे कई सारे मैसेजेस आए हैं कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ बीच बीच में। एंड मेरी प्रेगनेंसी को लेकर के मे भी हो सकता है, जो लास्ट अपडेट मैंने दी थी व्हेन आई टर्मिनेटेड माय प्रेगनेंसी, उसके पहले वाला, उसके बाद से लोगों ने वीडियो देखा नहीं या स्किप हुआ या पूरा नहीं देखा है, जो भी हुआ उनको ये इन्फॉर्मेशन शायद नहीं पता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनको। तो करेंटली आई एम नॉट प्रेगनेंट। हाँ, वीडियो डिले हो रहे हैं, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, उसके रीज़न डिफरेंट है, प्रेगनेंसी रीज़न नहीं है, आई एम नॉट प्रेगनेंट। ओके, सो मैं फिर भी अगेन एंड अगेन ये चीज़ क्लियर कर ही रही हूँ। जो हुआ, जो डिसीजन था वो टफ था, बहुत हार्ड था हमारे लिए एज अ पेरेंट, और उस चीज़ पे प्लीज़ बात नहीं करते। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें क्लियरिफाई कर दी हैं और वो करने का पर्पज़ भी नहीं, क्योंकि ये आप इंडिविजुअल का डिसीज़न होता है, हमारा हमारा डिसीज़न है, आपका आपका डिसीज़न है। बट हाँ, वो वीडियो, वो जो चीज़ थी जो मैंने एक्सप्लेन करी सारी चीज़ें, लोगों को गाइडेंस चाहिए था कि आखिर ऐसा क्या हुआ और उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो उन्हें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, तो बस उनके ऊपर एक शॉर्ट सा वीडियो बनाया था, उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि वो आपका डिसीज़न है, आप दो बच्चा चाहते हो, तीन चाहते हो, चार चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, फाइनेंशियली फिजिकली इमोशनली आप कितना प्रिपेयर हो, किस तरीके से आप दे सकते हो। यार ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ले पा रहा है, कर पा रहा है तो वो सब कुछ अच्छा से कर सकेगा। यार एक लाइफ है, लाइफ को ग्रो अप करना है, बड़ा करना है, उसे पोषण देना है, उसे हर तरीके से सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी है। और ऐसा नहीं कि पहले के जो दो बच्चे हैं उन्हें छोड़ देना है, उन्हें भी देना है। आज खुशी हमारी लाइफ में आई, सेकेंड डॉटर हमारी लाइफ में आई, तो ऐसा नहीं कि हमने अनिका को छोड़ दिया। आप ब्लॉग्स में देख ही रहे होंगे कि हम उतना ही ध्यान जितना पहले दे रहे थे उतना ही कोशिश कर रहे हैं कि आज भी उसको अटेंशन मिले, उतना ही सब कुछ मिले, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है बट हो पाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम दो में कर ले रहे हैं तो तीसरे चौथे पांचवें में भी कर लेंगे, ठीक है, वो जो हुआ वो अब उस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि अब इसका इन्वेस्टिगेशन करने तो मैं नहीं बैठने वाली और ना ही मैं डिसीजन पर, रिजल्ट पर, चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा वार्तालाप करना चाहती हूँ। तो फिलहाल ये सब कुछ है और इनकी चीज़ों से मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, दोनों को देखते देखते, घर भी देखते देखते। एंड आई रियली वॉन्ट टू हायर अ फुल टाइम मेड, पहले थी कुछ समय के लिए थी हमारे घर पे, देन अभी ना जाने क्या हो रहा है। मे भी हो सकता है कि इन सब चीज़ों का एक समय होता है, वो समय शायद हमारा नहीं आया है कि हम एक अच्छी मेड कर पाए। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं बट मेड काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ऐसा है कि मतलब आराम की जॉब सबको चाहिए, पैसे सबको चाहिए, 10, 15, 20 कुछ भी दे दो चाहिए, पर काम उनको नहीं करना है। तो ये सब 2 दिन का माहौल नहीं है, देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन पे कौन फुलफिल होता है, कौन करता है। और हमें तो भाई नेक सच्चा इंसान पहले चाहिए, कि हमारे दो बच्चे समझदार होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए और समझदारी से काम ले। यार घर में रह रहे तो घर की तरह रहो आप, तो कुछ इस तरीके का मुझे चाहिए। मेरी तरफ से कोई बंदिश फाउंडेशन तो रहती नहीं है, बट फिर भी मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि आजकल लोग काम नहीं करना चाहते हैं, 2-3 काम, पूरे दिन का काम तो फिर काम ही होता है। नैनी अगर आप, तो नैनी का काम तो करना ही पड़ेगा, और हाउस हेल्पर हो तो हाउस हेल्पर का काम करना पड़ेगा, फिर उससे आप बच नहीं सकते हो। अगर आप चाहोगे सब काम में हम हेल्प कराएं तो फिर फुल डे मेड और इतना 15-20 हज़ार देने का फ़ायदा क्या है, मैं रख लेती हूँ। तो
ऐसा कुछ चल रहा है लाइफ में, तो मैंने सोचा चलो एक अपडेट भी इसी ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल था ये सेलिब्रेट किया होगा। 10 दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपने भी इंजॉय करी होंगी, हमने भी इंजॉय करी, और इट इज़ अ ग्रेट टाइम। आने वाले दिनों में और भी ब्लॉग्स आएंगे। अरे यार बनाती तो हूँ बट फिर डिलीट भी करना पड़ता क्योंकि ओकेजन चला जाता, टाइम चला जाता है। बट एनी हाउ आज ये ब्लॉग तो मैं पोस्ट कर ही दूंगी। सो टुडे इज 17th of September। 2 दिनों से अनिका और अनविका की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, और अनविका की तो सडनली डांस वाली रात से थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि उसे नेबुलाइज़र हमें देना पड़ा और मेडिसिंस वगैरह भी हम लेकर के आ गए डॉक्टर के वहाँ से। 2 दिनों से कुछ नहीं खा रही थी वो, बट आज उसने रिक्वेस्ट करी, बोला कि मामा मुझे पास्ता खाना है। तो भाई अब बनाना तो पड़ेगा ही ना, उसे पास्ता खाना है। तो मैं सोच रही थी पता नहीं वो खाएगी या नहीं खाएगी, घर का मैंने अपने हाथ से बनाया था। अभी हो रही है महाआरती हमारे प्यारे से गणेश जी की, और अब उनको विदा करने वाले हैं यानी विसर्जन के लिए अब हम उन्हें लेकर के जाएंगे। सब लोग बहुत ज़्यादा यू नो एक्साइटेड भी थे, एंड सेम टाइम सब होता नहीं कि विदाई वाला जो मोमेंट होता है ना, सब उस वाली फील में दिखाई दे रहे थे। एंड सच में यार ये जो विदाई वाला मोमेंट होता है, चाहे हम हमारे घर से किसी सदस्य की विदाई करें या फिर हम भगवान हमारे घर के सदस्य ही तो रहते हैं, और जब विदाई का समय आता है ना यार, तो बस सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है कि यार हम कितना सेलिब्रेट कर रहे थे, ये अब उनका जाने का समय आ गया। तो इस तरीके से बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे, उन्हें खुशी खुशी विदा कर रहे थे जिससे कि वो अगले साल हमारे जीवन में आए, हमारे घर आए, हमारी सोसाइटी में आए और फिर से बहुत सारी ब्लेसिंग और प्रॉस्पेरिटी अपने साथ में लेके आए, सबके मन को शांत करें, सद्बुद्धि दें लोगों को, और जितने भी भेदभाव है ना, बुरे विचार है, उन्हें बस दूर कर दें, सारे विघ्न खत्म कर दें। और फिर आपको बताती हूँ ये इस साल की सबसे बड़ी न्यूज। सो गाइज वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। बड़ी बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइजी होगा बिकॉज अभी बस मैं रैंडमली आकर के बैठ गई हूँ, तो इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में, बहुत कुछ हुआ, ब्लॉग्स अप डाउन हुए, काफ़ी दिनों से नहीं भी आया तो उसके लिए तो आपको पता ही क्या है। सो तीज हुई, गणपति आए, देन हम सब बीमार भी पड़ गए, वायरल भी हो गया, अभी भी आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट द बिगेस्ट न्यूज़ इज़ हेयर ऑफ दिस ईयर। और मैं अब फाइनली इस मोमेंट में आ गई हूँ, मुझे अब तो बता देना चाहिए, अब मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, अब मैं बता देती हूँ। इतनी सारी चीज़ें शेयर करी हैं हमारी यूट्यूब फैमिली से, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें शेयर करी, इतनी डीप और इतनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करी, ये न्यूज़ कैसे शेयर नहीं करूँ। तो बस सब न्यूज़ है ये दैट वी बॉट आवर फर्स्ट होम, फर्स्ट एवर होम, फाइनली हमारा खुद का घर, हमारे खुद के पैसों से लिया, खरीदा, जोड़ा, घर ले लिया। अब इंटीरियर वगैरह जो भी करना है, रहने लायक उसे बनाना है, तो वो एक बाद का प्रोसेस है, सेकेंड पार्ट है इस जर्नी का, जो जब शुरू होगा तो मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप, सारी चीज़ें पूरी सीरीज में शेयर करूँगी आपके साथ में, दिखाऊँगी आपको उस घर का एक एक कोना। और बिलीव नहीं हो रहा है बट आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड फॉर इट, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं चाहती थी यार हमारा खुद का घर हो, खुद का घर तो कभी भी हो सकता था। आई वुड से दैट इज़ माई ड्रीम हाउस, बट यार डेफिनेटली हमारा पहला घर है, और पहला तो पहला ही होता है और बहुत स्पेशल होता है, और भगवान ने अपनी कृपा रखी, सब कुछ अच्छा रहा तो मैं अपना ड्रीम हाउस भी बना पाऊँगी। मेरे साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं जुड़ी हुई हैं, बेस्ट विशेस जुड़ी हुई हैं लोगों की,
मुझे मालूम है, आई कैन फील इट। और इसी के साथ साथ यार मैंने मेरा लाइफ का पहला आईफोन भी ले लिया है, ये भी गुड न्यूज़ है भाई। पार्ट वन पार्ट टू गुड न्यूज़ के दो पार्ट हैं, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। सो आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना था मुझे, 16 लॉन्च हो गया है बट 16 के भाई अभी हमारा बजट ही नहीं है, तो ये था कि 15 प्रो मैक्स लेते हैं। और इसका मैंने 1 TB वाला स्टोरेज का जो फ़ोन है वो लिया है, तो मेरे लिए तो एकदम बस वो वाला मोमेंट हो गया। और ये फ़ोन आया है बाहर से, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे मंगवा करके दिया, उनकी फैमिली से एक मेंबर आ रहे थे तो वहाँ से उन्होंने मुझे मंगवा करके दिया। तो मेरे लिए तो यार ये एकदम से मतलब आया भी तो वहाँ से चल करके आया और मुझे खुद जा करके परचेज नहीं करना पड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार गणपति जी आए और अपने साथ सच में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए, बहुत खुशियाँ लेकर के आए हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जो पैरेलल चल रही हैं, बस हो जाए तो मैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। इस बीच बहुत कुछ आया है ऐसा, बट होता नहीं कि जब डेस्टिनी चाहती है कि वो आपको मिले तभी आपको वो मिलता है, अदरवाइज वो नहीं मिलता, कितना भी सामने आपके आ करके रखा हो बट आप उसे ले नहीं सकते, पा नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर दैट मोमेंट कि जब हमें वो चीज़ मिले। एनीवेज ये जो न्यूज़ थी हमारे घर से जुड़ी, ये मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था, कुछ महीनों पहले आपको बताया था दैट समथिंग इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, बट मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो यही था, अब बताया क्यों नहीं, बताने का रीज़न ये है क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्टेप जो कि लोन वाला होता है, लोन प्रोसेस हो जाए एक बारी, देन उसके बाद में मैं रिवील करूँगी ये चीज़। सो ये हो गया है, ये 1 month हो गया है और इस दौरान बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। बोलते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा करने चलते हो ना तो बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्नता आए हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आए और सारे विघ्न हर ले गए वो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे भगवान को, मेरे अपनों को, सबको। थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है बट उससे ज़्यादा मुझे सिख फील हो रहा है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम बुखार सब बैक टू बैक हो रखा है। तो चलो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने सही गेस कर लिया था, तो यस यू आर राइट, वी आर द ओनर्स नाउ। हमारी हमारी फैमिली के लिए एक छत जो कि बहुत ज़रूरी थी। देखो मैं आपको बताती हूँ कि कितना भी घर हो अपना, कुछ भी हो, पर अपना तो अपना ही होता है भाई। और आप लोगों को तो पता ही कि हमारी फैमिली से कुछ ऐसा बहुत खास सपोर्ट है नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक होता है ना पिलर, वो तो है नहीं हमारा। तो फिर बस यहाँ सब देना देना है तो कुछ वैसी उम्मीद नहीं है। तो बस ये था कि आई हैड टू कि चाहिए है ना, करना है। और फाइनली ये 2024 का जो साल है, इस साल में हमें ये गुड न्यूज़ मिली, हमें हमारा घर मिला, पहला घर मिला और भगवान ने ऐसे ही सब अपनी कृपा बनाए रखी, तो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि आप जो भी चाहते हो ना, प्लीज़ उसकी चाहत रखो। उस ऐसा मत सोचो कि अगर आपको नहीं मिल रहा, डिले हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, किसी को बुरा नहीं कहना। भगवान आपका पेशेंस चेक करते हैं और सही वक्त में जब वो वक्त आता है ना, जब आपको वो चीज़ मिलनी होती हैं, आपको ज़रूर मिलती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हो सकता है कि हमें नहीं मिलनी हो क्योंकि उससे हमारा नुकसान हो किसी भी तरीके का, हमारा फैमिली का या किसी का भी उस चीज़ से जुड़ा कोई बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो हमें नहीं भी मिलता है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होती है, प्रेजेंट है, बट हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अब ऐसा लग रहा है कि ना कुछ बहुत अमेजिंग था जो मैंने कर दिया, ऐसा लग रहा है। और आपके साथ में ये न्यूज़ शेयर करके तो यार मुझे इतना लाइट फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। अपनी विशेज ऐसे ही भेजते रहना और बस ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ एंजॉय करते रहना। दैट्स इट।